अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के लोंगो गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कर रही कंपनी ने सड़क के किनारे गड्ढा खोदा था जिसमें पानी भर गए थे। घटना तिराप जिले के तिराप लोंगडिंग राष्ट्रीय राजमार्ग की है। घटना में मारे गए बच्चों की पहचान कामलोंग वांगसू, निमांग वांगसू और गानिया नोकबी के रूप में की गई है। सभी मृतक बच्चों की उम्र 9 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं इस संदर्भ में खोंसा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। आज तीनों मृतकों का शव खोंसा अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। निर्माण कंपनी की लापरवाही के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। बता रहे हैं एक बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के लोंगो गांव के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कर रही कंपनी ने सड़क के किनारे गड्ढा खोदा था जिसमें पानी भर गए थे। घटना तिराप जिले के तिराप लोंगडिंग राष्ट्रीय राजमार्ग की है। घटना में मारे गए बच्चों की पहचान कामलोंग वांगसू, निमान वांगसू और गनया नोकबी के रूप में की गई है। सभी मृतक बच्चों की उम्र 9 से 15 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं इस संदर्भ में खोंसा थाने में एक मामला भी दर्ज किया गया है। आज तीनों मृतकों के शव का खोंसा अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। निर्माण कंपनी की लापरवाही के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। वही घटना को लेकर हमारे संवाददाता रिपुंजय दास ने तिराप जिले के जिला उपायुक्त तारो मिजो से टेलीफोनिक बातचीत की है। गुड मॉर्निंग सर, ये कल कुछ एक घटना हुआ था लोंगो विलेज में जिसमें 3 माइनर्स की जान गई है, क्या हुआ है घटना कुछ बता पाएंगे सर? चलिए, वो हाईवे कंस्ट्रक्शन जो कॉन्ट्रेक्टर मतलब कौन सा तो लॉन्गिंग वो हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन वो रास्ता में एक पिच बनाया था, एक कौवा माने नॉट ओनली पोस्ट कौवा वो जो पानी थोड़ा झरना है उसमें एक पिच बनाया था। अच्छा। इस पिच में वो लोग शायद गाड़ी का वो लोग रास्ता के पर्पस में हुआ होगा और मुझे तो बता रहा है कि ये एक कलबर्ट बनाने का भी ऐसे माने रखा था, लेकिन इसमें पानी बढ़ बढ़ के तो ये पोन लाइक सिचुएशन हो गया वहाँ में। अच्छा। तो वहाँ तो 3 बच्चा करीबन 9 to 13 इयर्स का 20-16 3 बच्चा, वन ये मेल चाइल्ड एंड अनदर टू फीमेल चाइल्ड। अच्छा। वो लोग ने वहाँ गया था कुछ पानी पीने के लिए गया, एक ने गिर गया तो वो दोनों ने बसाने के लिए गया तो वो तीनों का तीनों डूब गया। सर्कल ऑफिसर दिया और डीडीएम जो इंचार्ज भी है और उसका डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट का जितना पर्सनल है वो लोग ने वो स्पॉट में वो लोग गया है, तो बाय द टाइम ऑलरेडी गांव वाला ने वो लाश को निकल चुका था बोला है। घटना हुआ है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके ऊपर हाँ। कोई एक्शन ले रहे है क्या एडमिनिस्ट्रेशन? इसके लिए ऑलरेडी FIR लॉन्च किया हुआ है, मैं SP साहब से भी बात किया है कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स हो, तो अकॉर्डिंगली FIR लॉन्च हो गया और उसका केस दर्ज हो गया उसका। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं फोन लाइन से हमारे संवाददाता रिपुंजय दास से। रिपुंजय, तिराप जिले के लोंगो गांव में जो घटना हुई है वो बेहद ही दुखद है। 3 बच्चों की गड्ढे के पानी में डूबने से मौत हो गई। जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम जानना चाहते हैं कि कंपनी की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों में कैसी प्रतिक्रिया है। रिपुंजय। सुष्मिता, देखिए इस विषय को लेकर स्थानीय लोगों में काफी प्रतिक्रिया है और यहाँ तक आपको बता दो कि कल प्रशासन या पुलिस के पहुंचने से पहले जैसे आप चित्रों में देख सकते हैं ये स्थानीय लोग ही थे जिन्होंने इन बच्चों के शवों को इस गड्ढे से निकाला। एक बड़ा लापरवाही का मामला सामने आया है, खुल के सामने आया है सुष्मिता मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो सड़क निर्माण कंपनियां हैं इनको पानी की जरूरत होती है सड़क बनाने के लिए, तो इसके लिए एक एक हद तक कुछ हद तक जायज है कि कुछ एक
कम डेप्थ वाला एक गड्ढा करके थोड़ा पानी जमा करते हैं, लेकिन ये 9 फीट का गड्ढा बना चुके थे और ये 9 फीट के गड्ढे के कारण वहाँ इस दुखद घटना घटी है और इसी को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। अभी देखना यह होगा सुष्मिता की, जैसे आपने भी सुना डिप्टी कमिश्नर पैरो बीजो ने कहा कि घटना की जांच के आदेश दे दिए गए है और इसके ऊपर पुलिस ने भी अपना कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो अभी देखना यह होगा कि किस तरीके का एक्शन लिया जाता है ये सड़क निर्माण कंपनी के ऊपर। सुष्मिता जी रिपुंजय, दूसरा सवाल आपसे, क्या सरकार व प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार के मुआवजा की ऐलान किया गया है? जी हाँ सुष्मिता, इस विषय पे डिप्टी कमिश्नर ने हमें बताया था कि इस विषय पर तुरंत ही जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है टीकानगर में उनको सूचित कर दिया गया है जिला प्रशासन के जरिए, और जो एक एक परिवार के ऐसे अगर एक डिजास्टर में अगर मौत होता है तो 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन देते हैं सरकार के तरफ से। तो इस विषय को लेके ऑलरेडी जिला प्रशासन ने प्रोसीड्यूर शुरू कर दिया है और शायद ये 2-1 दिन में मुआवजा राशि मिल जाएगा।